नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होता है, लेकिन कई बार तिथि के समय के कारण ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत पहले और ज्येष्ठ पूर्णिमा का जो स्नान दान करना है वो दूसरे दिन पर होता है, यानी जिस दिन हमने उपाय करने हैं वो बाद का दिन होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की तारीख का निर्धारण भी पूर्णिमा तिथि में होने वाले चंद्रोदय पर निर्भर करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं, और रात में चंद्रमा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा, जिसको वट का मतलब बरगद का पेड़, जिसको बेनियन ट्री भी कहा जाता है, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को वट पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माना जाता है कि अगर व्रत रख के भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाए, और ख़ासकर सुहागिने जो हैं वो पति की लंबी आयु के लिए, या पति पत्नी में रिलेशंस अच्छे नहीं है तो सुहागिने इस दिन व्रत ज़रूर रखती हैं। व्रत ना रख सकें कोई बात नहीं, मैं कुछ उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। वट पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, किसी भी नाम से आप बोलें, मैं आज जो उपाय लेकर आया हूँ, अगर आप ये उपाय करते हैं सौभाग्य, सुख, धन और इवन पति की दीर्घायु का वरदान आपको मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, ज्येष्ठ माह पर स्नान दान करने की बहुत बड़ी महत्वता मानी जाती है, माना जाता है पूरे साल में उसका लाभ मिलता है। तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की, फिर आगे बात करेंगे आपसे कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। सबसे पहले पंचांग की बात करें तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 21 जून शुक्रवार को प्रातः 7:31 से प्रारंभ होगी, और ये तिथि 22 जून शनिवार को प्रातः 6:37 तक रहेगी। अब उदया तिथि के आधार पर देखें तो ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा 22 जून को, लेकिन व्रत के लिए अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा या वट पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो वो व्रत 21 जून को रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन ही पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा का उदय होगा। तो अगर व्रत रखना है तो 21 जून को, स्नान दान उपाय जो करने, जो मैं आज सारे उपाय आपको बता रहा हूँ, वो 22 जून को करने हैं आपने। और 22 जून को करेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ रहेगा। एक चीज़ और बता दूँ, 21 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात चंद्रमा का उदय 7:04 पर होगा। अगर 21 जून को आपको चंद्रोदय का टाइम चाहिए तो आप इस बेसिस पे कर सकते हैं। अब उपाय क्या करने हैं, सबसे पहले उपाय पर बात कर लेता हूँ। जैसा मैंने कहा कि वट पूर्णिमा बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, तो एक छोटा सा उपाय आपको जो सुबह के समय करना है, ये उपाय आप 22 जून को करेंगे। इसमें स्नान आदि करने के बाद वट या बरगद वृक्ष की पूजा करें। अब वट वृक्ष पर आप चावल, कुमकुम, अगर आपको गुलाल उपलब्ध हो जाए तो वो चीज़ें चढ़ा सकते हैं। एक कच्चा सूत ले लीजिए, उसको 108 बार वट वृक्ष पर लपेटते हुए उसकी परिक्रमा करें, और फिर उसके बाद स्वच्छ जल चढ़ाएँ और जलाएँ। इस तरह से अगर आप वट वृक्ष की पूजा करते हैं तो घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये कार्य जो आपने करना है ये सुबह के समय करना है, 22 तारीख को, 22 जून को सुबह के समय आप ये कार्य कर लेंगे। अब आगे बात चलती है कि शाम के समय क्या उपाय करना है। जैसा मैंने कहा कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देने की बहुत महत्वता है। अब मान लीजिए आपका धन कहीं अटका हुआ है, या बहुत बार ऐसा होता है कि आप मकान इत्यादि बनाने का सोच रहे हैं, मकान का योग ही नहीं बन पा रहा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विवाह के इच्छुक हैं, तो रात के समय ये उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ। स्पेसिफिकली आपको रात के समय करना है, चंद्रोदय के बाद। अपनी लोकल सिटी में पंचांग में आप देख सकते हैं चंद्रोदय कितना है, नहीं तो एक अंदाज़ा लेके चले तो आप रात को 8 के बाद कर सकते हैं। बाकी चंद्रोदय टाइम एग्जैक्ट चाहें तो कंफर्म किया जा सकता है पंचांग से, सिटी के हिसाब से। अच्छा, अब करना क्या है, इसके लिए आपको एक चांदी का ग्लास चाहिए होगा, छोटा ग्लास भी हो तो वो भी चलेगा,
उसके अंदर आप कच्चा दूध डालिए, थोड़ी सी चीनी डालिए, चावल डालिए, चंद्रमा को देखते हुए अर्घ देना है। लेकिन अब ये जो अर्घ देना है इस तरह से देना है कि जब आप दूध चढ़ाएं चंद्रमा को तो वो किसी गमले में गिरे, वो गमले में, वो किसी भी चीज़ का गमला हो सकता है। तुलसी थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, लोग तुलसी का पौधा भी यूज़ कर लेते हैं, आप उसकी बजाय कोई और पौधा रख लीजिएगा जिसके अंदर ये दूध गिरे, क्योंकि वो जो जिस जगह पर दूध गिरेगा उस गीली मिट्टी से आपको तिलक भी करना है। आपके परिवार के सभी लोग कर सकते हैं, आपके परिवार का कोई मुखिया भी कर सकता है, और सभी लोग करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। तो आपने करना क्या है, ये जो मिश्रण आपने बनाया चांदी के गिलास में, थोड़ा सा कच्चा दूध लिया, चीनी ली, चावल लिया, चंद्रमा को देखते हुए, इसके लिए एक छोटा सा मंत्र है, मंत्र डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सः चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सः चंद्रमसे नमः। ये मंत्र बोलते हुए 9 बार मिनिमम आपने मंत्र बोलना है, और ये आपने दूध चढ़ा दिया, ये दूध गिरेगा आप गमले में, गमले से आपने अपने राइट हैंड की आप रिंग फिंगर का प्रयोग करते हुए वो माथे पे लगा लीजिए। आप देखेंगे चंद्रमा को अर्घ देने का एक लाभ ये भी रहेगा दोस्तों कि आपके चंद्र संबंधित जो समस्याएं आपको आ रही हैं उनका निवारण होगा, चंद्रमा अच्छा होगा, और आप चाहें तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी चीज़, चाहे सूखा अनाज हो, आटा हो, वो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, और ये दोस्तों 22 जून को होगा, ध्यान रखिएगा जो व्रत होगा वो 21 जून को होगा, लेकिन जो स्नान करना है, दान करना है, सुबह चाहें तो गंगा स्नान कर सकते हैं, गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप 22 जून को करेंगे तो लाभ रहेगा। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वट वृक्ष हमारे घर के आसपास नहीं उपलब्ध होगा, तब क्या उपाय किया जाए, तो उसमें एक ऑप्शन ये बनती है, रात के समय तो आप चंद्रमा को अर्घ इसी तरह से दे दीजिए, और जो वस्तुएं मैंने आपको कहा था वट वृक्ष पे चढ़ाना है, कच्चा सूत लपेटना है, वो सारी चीज़ें तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ये कर सकते हैं उस दिन फिर अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में जिसमें शिवलिंग पड़ा हो आप 1.25 किलो चावल लेके चले जाइए, वो 1.25 किलो चावल में से एक, जो दोनों हाथों में चावल आते हैं वो शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, जो बाकी चावल बच जाएं वो किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें, तो भी आपको इस पर्व का पूरा लाभ मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका उपाय करना, कोई पॉजिटिव कृत्य करना, जब पॉजिटिव कृत्य किया जाता है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपको वट पूर्णिमा की, ज्येष्ठ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ज़रूर करिएगा उपाय, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। धन्यवाद दोस्तों।